खबर राजस्थान के जोधपुर से है और हैरान कर देने वाली खबर है। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद पालिका एक हिस्ट्री शीटर सुरेश खिंचा ने दो दिन पहले कोलायत एमएलए भंवर सिंह भाटी की आवाज निकालकर कोलायत के ही एक खनन व्यापारी केबी गुप्ता को फोन किया और जयपुर के हॉस्पिटल में पैसों की जरूरत बताकर 15.5 लाख रुपए हड़प लिए। हैरत की बात यह है कि पीड़ित व्यवसायी एमएलए का दोस्त होते हुए भी बदमाश की आवाज भांप नहीं सका। उन्होंने एमएलए की मेडिकल इमरजेंसी को देखते हुए जयपुर में परिचित व्यवसायी राजेश अग्रवाल को फोन कर पैसा दिलवा दिया। रात को केबी गुप्ता ने एमएलए का हालचाल जानने के लिए कॉमन मित्र से बात की, तब धोखाधड़ी का पता चला। इसके बाद पीड़ित राजेश अग्रवाल ने वीके थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। एमएलए ने भी गृह मंत्री, डीजीपी, कमिश्नर व डीसीपी से बात कर जल्द कार्रवाई की बात की। पुलिस ने बदमाश के फोन की लोकेशन निकलवाई तो जोधपुर के रातानाड़ा एरिया की सामने आई। वीके थाना अधिकारी कैलाश जिंदल ने शक के आधार पर पाली के बदमाश सुरेश खिंचा की जानकारी निकलवाई तो सामने आया कि वह जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। उसके बाद पुलिस अधिकारियों ने जेल प्रशासन से बात करके जेल में सर्चिंग करवाई तो फोन करने वाले नंबरों का सिम कार्ड व मोबाइल जेल परिसर में ही बरामद हो गया। तो इस कार्रवाई में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है ऐसा सामने आया है। बदमाशों ने वारदात के लिए ट्रू कॉलर का इस्तेमाल किया। केबी गुप्ता ने अलग फोन नंबर के बारे में पूछा तो बदमाश बोला कि दूसरा नंबर बंद है। केबी गुप्ता ने नंबर को ट्रू कॉलर पर देखा तो नाम भंवर सिंह और एमएलए की फोटो लगी आ रही थी। बदमाश को एमएलए के जयपुर के एक हॉस्पिटल में भर्ती होने व मोबाइल स्विच ऑफ होने की भी जानकारी थी। वहीं इस मामले को लेकर रातानेड़ा पुलिस थाने में जेल अधीक्षक द्वारा एफआईआर दर्ज। 19/7/2018 को शाम को एक एफआईआर श्रीमान जेल अधीक्षक महोदय कैलाश त्रिवेदी द्वारा विशेष सेवा के साथ थाने पर भिजवाई थी, जिस पर हमने मुकदमा नंबर 251 दर्ज कर जांच शुरू की गई है। अभी तक जांच जारी है। वही इस खबर ने एक बार फिर जेल प्रशासन के अंदर की जो हालात है उनको खोल के रख दिया है। किस प्रकार से जेल में मोबाइल बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है और उस वहाँ पे सिम कार्ड भी उपलब्ध हो जा रहा है और उसके बाद कॉलिंग की जाती है एक एमएलए बनकर, जो बड़े सवालों की ओर इशारा करता है। जेल प्रशासन की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको ताक पर रखकर किस तरीके से अंदर जो मोबाइल पहुँचाया गया है ये भी बड़ा सवाल है भी आखिर मोबाइल जेल के अंदर पहुँचा कैसे। जेल में मोबाइल पहुँच भी जाता है और जेल के जो जैमर सिस्टम है वो फेल क्यों हो गया और जैमर सिस्टम क्या वहाँ पे प्रभावी रूप से काम कर रहा है ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। जेल प्रशासन ने इतनी बड़ी अनदेखी कैसे कर दी, बड़े सवाल जो है ये खबर सामने लेकर आई है।